राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहर में अलग अलग स्थानों पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के अजमेर के किले में आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर आजादी से अब तक अजमेर जिले में किस तरह का विकास हुआ है, आज की प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर विधायक वासुदेव देवनानी, जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के साथ ही अलग अलग अधिकारी व गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए बापू को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आज महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर अजमेर म्यूजियम में संग्रहालय में एक बहुत ही शानदार प्रदर्शनी लगाई गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव इस साल की जो थीम है 75 वर्षगांठ की, 1947 से अब तक अजमेर में क्या क्या हमारी प्रगति हुई है उसका यहाँ पर लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। अलग अलग विभागों द्वारा 1947 में हम कहाँ खड़े थे, हमारे जो विकास के जो मानक होते हैं वो क्या थे, हमारे भौतिक संसाधन क्या थे, और आज 75 वर्षगांठ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव हम कहाँ पर पहुँचे, ये बहुत ही शानदार प्रस्तुतियाँ संग्रहालय में लगाई गई। तो हमारा अनुरोध है कि सब लोग यहाँ पर आके देखें। जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ तक मैसेज जाना चाहिए आज़ादी का, गांधी जी के विचारों का, वो इस प्रदर्शनी के माध्यम से जाएगा, और इस प्रदर्शनी को आगे जो स्कूल्स हैं उनमें भी प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि बच्चे हमारी आज़ादी के अमृत महोत्सव में पार्टिसिपेट करें और आज़ादी का महत्व समझें। आज गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर हमारे जिला प्रशासन के द्वारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है और गांधी जयंती के भी कार्यक्रम का आयोजन किया है। निश्चित रूप से यह दिवस और इस अवसर पर लगाई हुई प्रदर्शनी हम सब युवाओं को प्रेरणा दे, तथा विभिन्न विभागों में 1947 से लेकर के और आज तक अजमेर में क्या क्या विकास हुए इसको दर्शाया गया है, तो हमारे सारे स्कूलों के बच्चे और नई पीढ़ी इसको देखे, तक हम सब लोग हमारे जिन बलिदानियों के आधार पर हमको आज़ादी मिली उनका बलिदान व्यर्थ न जाए और भारत की आज़ादी को इतना मजबूत बनाए कि कोई भी दुश्मन हमारी ओर से आंख उठा करके न दिख सके। इस प्रकार का एक भारत को सशक्त और मजबूत जो माननीय मोदी जी बनाने के लिए जुटे हुए हैं, उन सब के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग आगे बढ़ें। और आज जिस तरह से स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर से मोदी जी ने शुरू किया और आज भी जगह जगह इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, हम इस प्रकार के सामाजिक सरोकारों के कार्यक्रम करते हुए इस देश को आगे ले जाएँ, इतना ही मेरा सबसे आग्रह है। एक बार पुनः मैं सबको शास्त्री जी की और गांधी जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ।